रुक गई। पहली राइड थी, कैसा फील हुआ? छाती में गुदगुदी हो जाती है। ओके गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर खड़ी है ड्यूक 390 और इधर खड़ी है हमारी प्यारी हायाबुसा थर्ड जनरेशन 2022। तो भाई, इन दोनों बाइक्स का आज हम एक ड्रैग टेस्ट करने वाले हैं। बाइक है 390, ये शिवराज भाई चलाएंगे क्योंकि इनके पास हेलमेट वगैरह और सारी गियर्स एंड एसेसरीज़ हैं, और ये बाइक वैभव भाई की है। और जो काफ़ी टाइम से हमसे बोल रहे थे कि भाई एक ड्रैग रेस करना है भैया आपके साथ, फाइनली आज टाइम मिला है। इस बाइक को इधर बाईपास में हम लेकर आए हैं और वैभव को बिठाऊँगा मेरे पीछे और फर्स्ट राइड वैभव को मिलेगी सुजुकी हायाबुसा पर। और सबसे पहली चीज़ तो देखो ये है, अगर आप सारे गियर आपके यूज़ कर लोगे तो कोई मतलब ही नहीं। ये 6 गियर के साथ आती है, इसके मैं 6 गियर यूज़ करूँगा पर आप पहला ही करोगे। ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, हमेशा पहला गियर 100 से ज़्यादा नहीं ले जाता हूँ, 80, 90, 100। तो मैं पहला और दूसरा यूज़ करूँगा, बस मैं थर्ड गियर नहीं डालूंगा। सेकंड का इनिशियल और फर्स्ट गियर यूज़ होगा। और इस बाइक के पूरे 6 गियर आज हम यूज़ करने वाले हैं। तो भाई, हायाबुसा वर्सेस ड्यूक 390 फर्स्ट कंटेंट ऑन यूट्यूब है भाई, बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाला है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 43 bhp वर्सेस 186 bhp। सो भाई, एक तरह से नाइंसाफी है, पर ये वैभव के कहने पर ये चीज़ हो रही है क्योंकि बहुत जिद कर रहा था कि एक ड्रैग रेस चाहिए ड्यूक 390 की और हायाबुसा की। सो लेट्स एंजॉय द ड्रैग रेस नाउ। फाइनली एग्जॉस्ट थम वेट, क्या साउंड आ रहा है भाई, एग्जॉस्ट लगेगा तो मजे आ जाएंगे। एनीवे, लेट्स स्टार्ट द ड्रैग रेस नाउ। भाई, तुम पीछे जो बैठे हो बिल्कुल पकड़ कर बैठना, हाँ। लीन लेफ्ट या लीन राइट मत होना, हाँ। फोन नहीं निकालना है, और पीछे की तरफ अगर जाओगे तो झटका लग सकता है, गिर सकते हो क्योंकि ये सुपर बाइक है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है? तो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स मिलता है ड्यूक की तरफ से। 43 bhp वर्सेज 186 bhp, गाइज जस्ट इमेजिन रेस कैसी होने वाली है, मतलब पूरी एक तरफा रेस रहेगी ये। मेरी हायाबुसा का भी सिर्फ फर्स्ट गियर रहेगा, तुम्हें पूरे 6 गियर यूज करने की परमिशन है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द रेस। ओ गई, ओके लेट्स डू इट अगेन। गजब भाई, फर्स्ट गियर लगाया था, फर्स्ट गियर में ड्यूक को पीछे छोड़ दिया। शिवराज, मैंने फर्स्ट गियर में पहले तुम्हें पीछे छोड़ा था, उसके हाँ उसके बाद में मैंने सेकंड लगाया था। ओके गाइस, तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं पहले गियर में। आई ये गई, ये तो पहले गियर में छोड़ देती है। ओके ये गई। शानदार तरीके से भूसा ने 390 को पीछे छोड़ा। हाँ देखो भाई, ये 390 वाला जा रहा है, इसको फिर से पकड़ते हैं अपन। कम ऑन, अरे 150 पे छोड़ के जा रही है यार। अमेजिंग, दूसरी बार पीछे छोड़ा है 390 को। मैं पहला, दूसरा और अभी मैंने तीसरा गियर भी यूज किया है। एनीवे, मैं फिर से पहले गियर में डालता हूँ बाइक को। गाइस, फिर से फर्स्ट गियर डालने वाला हूँ, डाल दिया है। हाँ चलो, ओके ये मेरा पहला गियर है, इसे मैं थोड़ा सा आगे जाने दे रहा हूँ। ओह माय गॉड, गई। बहुत बढ़िया गाइस, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। भूसा तो भूसा है भाई, कोई बाइक नहीं टिक सकती इसके आगे। ओके, मैंने अब सेकंड गियर डाला है, सेकंड गियर में मैं थोड़ा सा थ्रॉटल देता हूँ। ओके, बंदा तो यही पकड़ा गया क्योंकि इसमें ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक गड़बड़ कर रहा है। ड्रैग रेस में आप देख रहे हैं किस तरह से भूसा बहुत आसानी से इस बाइक को पीछे छोड़ रही है 390 को। दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों की कोई बराबरी ही नहीं है, फिर भी ये रेस करना पड़ी वैभव के लिए। लेट्स स्टार्ट भाई, एक बार फिर से ड्रैग रेस करते हैं। पहला गियर मैंने डाला है, मेरा फर्स्ट गियर है, और शिवराज का जो भी गियर है ये लगा सकता है। मैंने पूरी परमिशन दे रखी है भाई, कोई भी गियर यूज़ करो ड्यूक का। स्टार्ट,
कैसी जा रही है? ओके भाई, तो बहुत आसानी से ड्यूक 390 पीछे रह गई है। भाई को आगे निकलने देते हैं आप और इसे कैच करेंगे अब। ठीक है, तो ये आगे जा रहा है, भाई को अब कैच करने वाला हूँ मैं। जा भाई जितना आगे जा सकता है। ओके, मेरा सेकंड गियर है, ये मैंने थर्ड डाला है। गजब यार, ऑसम रिस्पॉन्स फ्रॉम हायाबुसा, द माइटी बुसा। चलो एक ट्रैक रेस और हो जाए। मैंने तीसरे गियर से ज्यादा डाले ही नहीं, कई बार तो दूसरे ही। 140 के बाद क्यों हो रही है भाई? ये तो अभी 200 हो गई थी। भाई देखो जा रहा है, इसको पकड़ते हैं फिर से। ओके, कमेंट में गालियां मत बकना, क्योंकि हायाबुसा वर्सेस ड्यूक 390 का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो वैभव के चक्कर में मुझे ये ड्रैग रेस करना पड़ रही है, पर फिर भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ड्रैग रेस एंजॉय करने को मिल रही होगी। कितने गियर भाई? ऑनेस्टली स्पीकिंग, पहला दूसरा गियर था जब तक, जितने टाइम मैंने तुमको मतलब पीछे किया, पहला दूसरे गियर में था। आखिरी में ऐसा लगा मुझे तो मैंने तीसरा गियर डाला जब तुम बहुत आगे निकल गए थे। मैंने फोर्थ गियर तो यूज ही नहीं किया है। बूसा खड़ी है और पब्लिक ना है पीछे से, ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई। बूसा खड़ी है, देखिए बच्चे देखने लग गए हैं, पब्लिक रिस्पॉन्स तो मिलता है, बच्चे धीरे धीरे इधर आ रहे हैं। तो भाई आप देख सकते हैं जैसे कि दोनों बाइक का हमने एक ड्रैग रेस किया, रिस्पॉन्स बहुत प्यारा मिला है भाई। बूसा की तरफ से तो बस क्या बोले, बूसा ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। 390 भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है, बहुत अच्छा पिकअप है। शिवराज का कहना है कि बहुत इजीली 130-120 जा रही थी, उसके बाद थोड़े वॉबलिंग इशू आ रहे थे, तो वो डेफिनेटली बनता है क्योंकि यार उसका इंजन छोटा है और ये चीज़ बहुत अलग है। फिर भी ये राइड वैभव ने, वैभव राइड एंजॉय करी कि नहीं, मजे आए कि नहीं? हायाबुसा पर पहली राइड थी, कैसा फील हुआ? छाती में गुदगुदी हो जाती है। छाती में गुदगुदी भाई, इसका कहना था भाई, वैभव का कहना है इसकी छाती में गुदगुदी हो रही है। गजब बड़ी उसकी है भाई। टी शर्ट था ना, ये पूरा यहाँ आ गया था। छाती और तो की होती है क्या भाई? मर्दों का चेस्ट होता है, सीना होता है, तभी तभी इसको मजा आ रहा था। कभी इसको ना इसकी छाती में गुदगुदी हो रही थी भाई, बोल रहा था छोड़ के जाओ छोड़ के जाओ। अरे भैया फुल थ्रॉटल दे रहे, मैं राह देखूं कब आएंगे, फिर निकल जाते आगे। एनीवे तो यहाँ पर कुछ पब्लिक जमा हो गई है, कुछ कुछ बच्चे हैं जिन्हें बाइक अच्छी लगी दूर से। बाइक कैसी लग रही है? कौन सी वाली अच्छी लगी पहला ये बताओ। ऑल राइट गाइस, वीडियो को हम ये एंड करने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ड्यूक 390 वर्सेस हायाबुसा की ड्रैग रेस आपको कैसी लगी। होप यू एंजॉय द वीडियो। भाई अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर देना। गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।